अब क्या कर सकते हैं बेटा, बस ये समझ लो कि ये अपने अपने कर्मों का फल है, सब भुगत रही है। बीजी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब छोड़िए उस बात को। अच्छा निखिल, ये बताओ तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड थी ना, कब कर रहे हो उससे शादी? जी वो बात चल रही है, सबसे पहले अगर कुछ हुआ तो आप लोगों को ही इनवाइट करूंगा। दादी अभी नजर नहीं आ रहा? वो बाहर गया है। घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, लगता है प्रज्ञा जी भी उसके साथ ही गई है। नहीं नहीं, अब प्रज्ञा तो अपने कमरे में है। अब तनु ना, तनु और अभी गए हुए हैं लंच करने। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और लंच करने गई है अभी के साथ। तनु ये तुमने ठीक नहीं किया। निखिल कैसा है? तुम कब आए? जस्ट अभी आया। तो गायब ही हो गया, ना कोई कॉल ना मैसेज, कहाँ था? एक साथ दो तीन प्रोजेक्ट्स ले लिए थे, बस उसी काम में बिजी था। That's great यार, इनफैक्ट काम से याद आया, एक्चुअली मुझे भी देसे ना कुछ दो तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना था, अभी बैठ के बात कर ले। Sure. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अरे आंटी जी, आप? बेटा जी आप? अरे कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। क्या अच्छी है आंटी जी, आप नहीं बीमार लग रही हैं? नहीं तो बीमार नहीं हूँ, और वैसे भी अब जीऊंगी तो किसके लिए? कोई है ही नहीं जिसके लिए जीना पड़े, ना कोई पूछने वाला, ना कोई आगे पीछे। कोई है नहीं से क्या मतलब है आपका? मैं और पूरब है ना आंटी जी, आप हमें बेटा नहीं मानते, या फिर हो सकता है कि आपने वो रिश्ता तोड़ दिया हो। आपसे कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? पूरब आता रहता है पूछने, और मैं तो जान ही गई हूँ कि खून के रिश्तों में कुछ रखा नहीं। एक बेटी को मैंने अपनी जिंदगी से अलग कर दिया उसकी हरकतों के कारण, और दूसरी मुझे छोड़ के चली गई। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि पीछे मेरा क्या होगा। अब जरूर मन करता है कि काश एक बेटा होता आपके जैसा, जो मेरा ध्यान रखता, मुझसे पूछता मैं कैसी हूँ, मेरी तबीयत। आंटी जी, होता मतलब क्या है? क्या मैं और पूरब आपके बेटे नहीं है? हाँ मानता हूँ कि हम आपसे अलग रहते हैं, लेकिन लेकिन बेटे से कम तो नहीं है ना? हाँ मैं वक्त नहीं निकाल पाता, लेकिन जब भी पूरब मिलता है मैं उससे आपकी आपके बारे में पूछता हूँ, आपका हाल चाल ये वो। बेटा जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, वरना जिसके कारण आपके साथ मेरा रिश्ता है उसने आपकी जिंदगी में कितना जहर घोला है क्या मैं नहीं जानती। उसने आपकी जिंदगी नरक करके रख दी, फिर भी आप मेरा इतना ध्यान करते हो। किसी के कुछ भी करने से ना किसी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मेरी इजाजत? ठीक है, आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई, मैं जानता हूँ अब हालात कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बदल गया है, घर का माहौल, उसका व्यवहार, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, गलती मैंने भी की है, अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ आंटी जी, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तनु से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सबके साथ गलत किया है, इसके साथ भी। तनु के पेट में तो मेरा बच्चा है, मैं अपने खुद के बच्चे के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? मैं उसके साथ सही करना चाहता हूँ, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, और वो मैं आपके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता। दीजिए बेटा जी, आपको मेरा आशीर्वाद मांगने की कोई जरूरत, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही, और आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे? प्रज्ञा तो कब की मर चुकी है मेरे लिए। मेरे लिए अगर कोई मायने रखता है तो वो है आपकी खुशी, और अगर आप तनु से शादी करके खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आंटी जी आगे बेटा, कैसा रहा लंच? क्या बात है बेटा, गुस्से में क्यों हो? अरे बोलो ना, कहीं तनु ने कुछ कहा क्या? हमेशा गलती तनु की नहीं होती है कि मैं उस पर गुस्सा करूं, कभी कभी उसे गलत समझने वाले लोग भी गलत हो सकते हैं, जिससे
आप कभी नहीं देख पाएंगे दादी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सब क्या बोल रहा हूं ना, एक्चुअली बात यह है कि मैंने डिसाइड किया है मैं तन्नू से शादी करने वाला हूं। और जिसे भी ये लग रहा है कि शायद तन्नू मेरे लिए सही लड़की नहीं है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तन्नू इज द राइट गर्ल फॉर मी। तू क्या बोल रहा है? अरे हम सब जानते हैं कि तन्नू अच्छी लड़की है, इसके बारे में हमने कभी कुछ बोला ही नहीं। और ये भी हम सब जानते ही हैं कि तू इससे शादी भी करने वाला है, पर तू ये सब कुछ बोल के साबित क्या करना चाहता है? असल में तू कहना क्या चाहता है? मेरी एक्स वाइफ और इस घर की मालकिन, उसे ये लगता है कि तनु मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। और ये कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तनु अब तुम बताओ, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तो तुमने अभी के दिमाग में ये सब कुछ भरा है? तुम्हें लगता है मैं अभी से प्यार नहीं करती, उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूं? कितनी बेशर्म हो ना तुम। तुम्हें लगा कि तुम जो सोच रही हो अभी भी वही सोचेगा? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो अभी से पैसों के लिए उससे झूठा प्यार का नाटक करूंगी। तुमने अभी को धोखा दिया है, उसकी प्रॉपर्टी नेम फेम मनी सब कुछ छीन लिया उससे, और जब दिल नहीं भरा तो अभी की इकलौती खुशी उससे छीननी चाहिए। अभी से दुश्मनी है, मुझसे दुश्मनी, लेकिन मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पे नहीं तो मेरे बच्चे पे तो तरस खाओ तुम। अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो इसके फ्यूचर का क्या होगा? लीव इट तनु, प्लीज अभी मुझे बोलने दो। ये समझते क्या आपने आपको? भगवान हो तुम? जो ये कहेगी, जो ये बोलेगी, हम चुपचाप सहते रहेंगे? इसने तुम्हारी लाइफ स्पॉइल की, मेरी लाइफ स्पॉइल की, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ में बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो कह देगी कि उसे आपसे नहीं आपके पैसों से प्यार है। ऐसा तनु तो क्या कोई और भी नहीं कहेगा? हाँ देखो मारा कि मैंने तनु को वो सब बोलने के लिए कहा था, लेकिन तनु मुझसे प्यार करती है, मेरे पैसों से इसका टेस्ट मैं ले चुका। मैं उसे ऑटो से रोड साइड खाना खिलाने ले गया था। मैंने उससे कहा था कि ये खाना मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें भी बहुत पसंद है। पहले तो उसने मुंह बनाया, लेकिन मेरे फोर्स करने पर उसने मुझसे कहा कि वो खाना इसलिए नहीं खा सकती कि क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। वो क्या, उसके जगह मैं और कोई लड़की भी होती तो शायद ऐसा ही करती। लेकिन तुम्हें ये सब भी तन्नू का नाटक ही लग रहा होगा ना? क्या फर्क है मुझे ये सब नाटक लगे या सच? अगर आपको वाकई तन्नू सच्ची लगती है तो जाइए उससे शादी कर लीजिए। आपकी जिंदगी है, मूव ऑन, जिससे चाहे जब चाहे शादी कर सकते। मेरा काम था आपको समझाना। अब आपको वो बात शादी के बाद समझ में आती है पहले, ये तो डिपेंड करता है ना आपकी समझ पे और किस्मत पे। चलो एक पल के लिए मान लेता हूं कि तनु मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती, तभी मैं तनु से ही शादी करूंगा। तनु के पेट में मेरा बच्चा है और मैं उसके साथ गलत नहीं करूंगा, मैं उसे अपना नाम जरूर दूंगा। देखो बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया, इसलिए मेरे दिमाग में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश भी मत करना। बहुत मजा आ रहा होगा ना आप लोगों को, मुझे दिख नहीं रहा पर I'm sure सभी अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि भगवान को ना मानने वाले इस इंसान का हमने क्या हाल बना दिया। रॉक शो करने वाले का हमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया और अभी तो इतना बुरा हाल करेंगे कि
कि इसका तमाशा लोग सड़क पे बिना टिकट देखेंगे। इसलिए हम इंसानों को बनाया ना आपने, जो अच्छा ना लगे, जो आपको ना माने, उसे अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बना लो, खेलो उसकी जिंदगी से और ऊपर बैठ के एंजॉय करो। मजा तो आ ही रहा होगा ना, पर कभी तरस नहीं आया कि ये बेचारा पहले ही अपनों की चोट खाए बैठा है, इसे अब और क्या रुलाना। पहले ही कामयाबी की ऊंचाई से इतना नीचे गिर गया है, इसे और नीचे क्या गिराना, कभी सोचा है तुमने? मुझे तो आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। इंसान बना भी दिया तो उल्लू नहीं बनाना चाहिए था। नहीं मतलब दिमाग दिया, टैलेंट दिया, नाम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया तो ये दिल क्यों दे दिया? साला जहां बोलू वहां चलता ही नहीं। इंसान की खुद की जिंदगी है, उसका अपना कंट्रोल है उस पे, फिर भी दिल क्यों दिया जिसके आगे सारे कंट्रोल फेल हो जाते हैं? और ये रिश्ते, ये भी देने जरूरी थे क्या? तनु मेरे साथ गेम खेलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, यू डैम वेल नो इट। नाम का ग्रह कब मेरी लाइफ से दूर होगा? राहु केतु भी क्या परेशान करते होंगे जो ये निखिल कर रहा है। कहीं भी टपक पड़ता है और वो भी हमेशा गलत टाइम पर। ऊपर से मिताली भाभी और उनकी जासूसी, सबको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ऐसे काम नहीं चलेगा तनु, कुछ करना होगा तुझे। सबसे पहले तो इस निखिल का कुछ करना होगा, वरना आगे चल के मेरी और अभी की मैरिड लाइफ में यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन क्या करूं? हाँ, आलिया की तरह विजय को इसे मारने की सुपारी दे दूं? नहीं नहीं, कहीं बाद में मेरा भी आलिया के जैसा हाल ना हो। मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। एक बार मेरी शादी हो जाए, बाद में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगी इस निखिल के बच्चे का। अभी तुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है तनु, अभी तुझ पे बहुत भरोसा करता है, उसे टूटने मत देना। बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुम्हें पता नहीं, या तुम भूल गई कि मेरा इनसे अभी ऑफिशियली डिवोर्स हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन जिन पेपर्स पे इन्होंने साइन किया था वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। ये बात मैंने अभी को पहले क्यों नहीं बताई? जब मैं प्रज्ञा की क्लास ले रही थी तभी बोल देनी चाहिए थी, बेस्ट टाइम था वो। हाउ कैन आई, बट नो प्रॉब्लम, अभी भी देर नहीं हुई है, मामला अभी भी गर्म है। अभी प्रज्ञा से गुस्सा है, अगर मैंने अभी को ये बात बता दी तो अभी प्रज्ञा से डिवोर्स लेने के लिए फोर्स करेगा, और क्या पता डिवोर्स मिल भी जाए। हाँ, अभी जाके बात करती हूँ। पुनीत आउट ऑफ स्टेशन है, आकाश को सब में इन्वॉल्व कर नहीं सकती, तो बाहर से किसी को हायर करूं, पर किसी बाहर वाले पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती। वो मेरा काम करने की जगह अगर बिगाड़ दिया तो रोनी भरोसेमंद तो है लेकिन इस काम के लिए बहुत इनोसेंट है। ऐसे काम के लिए बहुत होशियार और चालाक इंसान की जरूरत है। इस पर मेरी धमकी का कोई असर ही नहीं हो रहा, इनके सपोर्ट की वजह से बेखौफ हो गई। ऐसे तो ये कोई गलती करेगी ही नहीं। किसका मुंह देख लिया मैंने? इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी मैं। क्या हुआ, ऐसे कॉरिडोर में क्यों खड़ी हो? ओ, कहीं अभी ने तुम्हें रूम से बाहर तो नहीं निकाल दिया? तुम भूल गई हो तो याद दिला देती हूँ, इस घर की ओनर हूँ मैं। कौन कमरे के बाहर रहेगा, कौन अंदर, ये मैं डिसाइड करती हूँ। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने खुद ही अभी के रूम से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया। वैसे इतनी अकल आ ही गई है तो जैसे उनके रूम से बाहर निकली हो वैसे इस घर से भी बाहर चली जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। मैं क्यों जाऊं? तुम चले जाओ ना, तुम तो इनसे शादी कर रहे,
अभी अभी तुमने ऐलान कर दिया नीचे कि किसी भी हाल में इनके साथ रहोगी, प्यार करती हो इनसे आफ्टर ऑल, अब प्यार किया तो निभा के दिखाओ ना। एक्चुअली मैं ना वेट कर रही हूँ कि कब तुम दोनों की शादी होगी और कब तुम्हारी इस घर से विदाई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं इन्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू सी कि जब तुम लोग सड़क पे आ जाओगे तो तुम कितना इनका साथ देती हो और कितना इनका ख्याल रखती हो। फिर ये जो तुम नीचे नाटक कर रही थी ना, उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो तुम्हें लगता है कि अभी इस घर से बाहर निकल के सड़क पे आ जाएगा? तुम ये भूल रही हो कि अभी एक रॉकस्टार लाखों लोगों के दिलों में रहता है, वो चाहे तो 10 प्रोड्यूसर की लाइन लगवा सकता है, महीने में 10 शो करेगा ना तो करोड़ों रुपए कमाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर से जाने के बाद बुरी हालत होगी। तुम भूल रही हो कि इनका पैसा, इनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ इनका नाम भी मेरे ही अंडर आता है। मुझसे पूछे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते, और अगर तुम लोगों ने मेरी परमिशन के बगैर कोई कॉन्सर्ट करने की कोशिश की तो तुम लोग करोड़ों कमाओगे नहीं, अपने ऊपर करोड़ों का केस कर लो, तुम्हारे आगे प्रोड्यूसर्स की नहीं कर्जदारों की लाइन होगी। यू मीन टू से तुम अभी पे केस करोगी? क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ना अभी प्रज्ञा बेवजह मुझे तंग कर रही है। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? उल्टा मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें फोन करके पता नहीं क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उस नंबर पे कॉल बैक कर लो ना जहाँ से फोन आया था। किस फोन कॉल की बात कर रही? मैं भी तो इसे यही पूछ रही हूँ, बताओ ना किसका फोन था और ऐसा क्या कह रहा था तुमसे? बोलो तनु। कुछ नहीं, अभी कोई फालतू इंसान था जिसने फोन किया था। I thought कि प्रज्ञा ने फोन किया पर प्रज्ञा ने फोन नहीं किया, पर कोई सरफिरा होगा। यू नो ना हमें तो ऐसे फोन आते रहते हैं, राइट? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। बाल बाल बच गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर तनु ने अभी इनसे बात कर ली तो जिस काम के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है वही बेकार हो जाएगा। तुम क्यों उससे बात करती हो? तुम जानती हो ना हर वक्त उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है। तुम उससे दूर रहो ना, मुझे इस घर में शांति चाहिए। जिस तरह मैं दूर रहता हूँ तुम भी दूर रहो। अगर वो तुम्हारे पास अगर कुछ बोले तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेना। प्रज्ञा ने फोन नहीं किया तो किसने फोन किया होगा? कौन जानता है कि मेरा बच्चा अभी का नहीं किसी और का है। मैं घर के बाकी लोगों से भी कह दूंगा कि उससे दूर रहे। मैं फालतू में किसी से कोई Are you listening? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं अभी। तुम बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। नहीं तुम नहीं सुन रही हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या उस फोन कॉल से डिस्टर्ब हो गई हो तुम? लाओ फोन, तो मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। ऐसी क्लास लूंगा ना उसकी दोबारा वो फोन नहीं करेगा। दो नहीं। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? वो अभी मूड स्विंग के बारे में तो तुम्हें पता होगा ना, प्रेगनेंसी में अक्सर होता रहता है। और छोड़ो ना उसके बारे में क्या सोचना, कोई पागल इंसान था, हो सकता है तुम उससे बात करो तो तुम्हारा भी मूड खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं फोन कॉल के बारे में सोच भी नहीं रही थी, मैं तो अपने रूटीन चेकअप के बारे में सोच रही थी। काफी दिन हो गए मैं चेकअप के लिए नहीं गई। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कल मुझे लेके जाओगे? ऑफकोर्स चलूंगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो। यस यू आर राइट, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ओके मैं काम करती हूँ, मैं रूम में जाके सो जाती हूँ, लेकिन तुम कल रेडी रहना। ओके गुड नाइट, बाय, लव यू। फोन किसने किया और कौन है जो उसके अलावा उसके सच के बारे में जानता है? अब ये सवाल तनु को रात भर सोने नहीं देगा, और ऐसे में वो डिवोर्स की बात सोच भी नहीं सकती। ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन दूसरी मुसीबत का क्या? जल्दबाजी में मैंने खुद ही फोन कर लिया। ये बात सुनकर दादी और पूरब बहुत नाराज होंगे। पूरब इसे बता दो, अब इस उम्र में मैं इतना नहीं भाग सकती। तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? आप आराम से भी तो आ सकती थी। इसका SMS पढ़ के कोई आराम से कैसे आ सकता है? हाँ दी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपका मैसेज पढ़ के तो मुझे भी लगा एकदम कोई ना कोई इमरजेंसी है या
आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं? अब बता कौन सी इमरजेंसी लग गई? हुआ क्या है? अभी ने कुछ कहा? कहीं तनु ने तो कुछ नहीं कहा? माँ के बारे में सोच रही है ना कि माँ को अपना सच बता दूं। कहीं वो आदमी तो नहीं मिल गया जिसको आप ढूंढ रही थी? तो फिर क्या हुआ है? पहेलियां क्यों भुजवा रही हूँ बताना? पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप डांटेंगी नहीं। अब तू अपनी बहन ना बुलबुल जैसे बातें करती है। दादी मुझे ऐसा लगता है इनसे ना कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और ये उनको छुपाना चाहती तभी बता नहीं रही। क्या किया तूने? फोन कर दिया। किसको फोन कर दिया? तनु को। ये क्या किया तूने? आपने उसको फोन करके ब्लैकमेल किया? ये तुम्ही ने तो कहा था ना कि बाहर का बंदा फोन करेगा ब्लैकमेलिंग के लिए। दादी आपने आपने वादा किया था कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। पूरब मैंने कोई प्रॉमिस किया? नहीं दादी आपने कोई प्रॉमिस नहीं की और ना ही मैंने कोई प्रॉमिस की। दादी मुझे लगता है इन्होंने ना ये सब पहले ही प्लान किया होता क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हमारी जान खतरे में आए क्योंकि जो भी फोन करता उसको उसकी जान रिस्क में आ जाती और तभी उन्होंने खुद फोन करके अपनी जान को रिस्क में डाल दिया। अभी तुमने मुझे बुलाया क्या? कहीं फिर से आज बाहर ले जाने का मन तो नहीं? कल तुम मुझे लेके गए थे, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाती हूँ। और हाँ पैसों की चिंता मत करना क्योंकि वो मैं बुक कर लूंगी। आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और तुमने वो जगह कभी देखी भी नहीं होगी। क्या हुआ अभी? तुम इतने परेशान क्यों? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? तुम बोलती रहती हो ना कि शादी कब होगी शादी कब होगी, इसलिए मैंने फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज क्या अब इसी वक्त कोर्ट में तुम करोगे ना? क्या आज ही? वो भी कोर्ट मैरिज? क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? अब तक तो तुम बोलती आ रही हो कि शादी कब होगी शादी कब होगी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे मेरा नाम कब मिलेगा, तो अब जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो तुम चौंक क्यों रही हो? हाँ अभी मैं यही चाहती हूँ लेकिन तुमने इसे अचानक बोला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड। ओके तो तुमने दादी से परमिशन ले ली? और विटनेस कोर्ट में तो विटनेस चाहिए होंगे ना? वो कौन होगा क्या कैसे होगा तुमने सब कुछ सोच लिया? अभी प्लीज ये सब कुछ सोच लेना वरना प्रज्ञा को फिर से मौका मिल जाएगा ये कहने का कि शादी नहीं हुई है। विटनेस है मेरे पास, बाहर आ जाओ। कम 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 आउट। ये बनेगी विटनेस। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये विटनेस बनेगी। अबे ये तो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, ये तो कोर्ट में जाएगी तो और काम बिगाड़ देगी। ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। देखो तनु ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी ऐसा? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और पहली शादी के लिए भी इसी ने तो मुझे फोर्स किया था, तो आप क्यों नहीं करेगी? अभी वो सब कुछ मुझे नहीं पता। इसी ने कहा था ना कि शादी के बाद तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी तो और इसके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, तो इसीलिए ये नहीं चाहती। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो अभी? पक्का और कोई वजह नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। निखिल से चेक करना पड़ेगा, कहीं ये मजाक वही तो नहीं कर रहा। Stop, sweetheart. ये क्या मजाक है निखिल? I know ये फोन तुम्हीं ने मुझे करवाया है, but let me tell you one thing, this is not funny. तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में? एक सेकंड तनु, कौन सा कॉल, किस कॉल के बारे में मैं क्यों करवाऊंगा कोई कॉल? मतलब ये फोन तुमने नहीं करवाया? नहीं। Are you sure? Yes, I'm sure, तनु. और अगर तुम चाहो तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही थी। अब तुम रिलैक्स होके मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, किसका फोन आया तुम्हें? निखिल मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया और वो मुझे कह रहा था कि I really don't understand, क्यों कोई तुम्हें फोन करेगा?
मेरे ख्याल से कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ मजाक भी कर रहा है ना, तो उसे मजाक में मेरा सच कैसे पता चला? और मजाक में ऐसे 10 लाख रुपए कैसे मांग लिए मुझसे? हो सकता है उसे वाकई में मेरा सच पता होगा। यू नो व्हाट, उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अभी को जाके सारा सच बता देगा। यू नो, मैंने इस बारे में सपना भी देखा। निखिल, तुम्हें पता है कि आजकल मेरे सारे सपने सच होते हैं। तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए और मैं आज ये मामला खत्म कर देना चाहती हूँ बस। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु स्टॉप इट। ये बंदा जो तुमसे पैसे मांग रहा है, आर यू श्योर कि उसके पास सारे सबूत है? और अगर सिर्फ शक पर ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो फिर अगर तुमने उसे पैसे दे दिए तो जिंदगी भर वो तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। निखिल, तुम भी तो यकीन के साथ नहीं बोल सकते ना कि वो मजाक कर रहा है। हो सकता है उसे सच में सच पता हो और उसे अगर उसने कहीं जाके अभी को सारे सच बता दिए सबूत के साथ, तो मैं क्या करूंगी? कुछ भी करके मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुमसे 8 बजे अभी के ऑफिस के पीछे जो गोडाउन है वहाँ पे मिलूंगी। तनु मेरी बात सुनो, मैं इतने पैसे नहीं ला सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु मेरी, तनु रोनी, देखा मैंने कहा था ना कि हम लोग जरूर जीतेंगे। सुना तुमने, ये तनु किसी से 10 लाख रुपए मांग रही थी। कौन हो ये शख्स? वही है जो हर कदम पर आलिया की मदद कर रहा था। यस भाभी जी, यू आर राइट एंड यू आर जीनियस। जो कहा वो कर दिखाया। आके ढूंढ लिया ना उस परछाई को जो हमारे पीछे थी, लेकिन नजर ही नहीं आ रही थी कि वो परछाई थी किसकी। चलो जाके प्रज्ञा दी को बताते हैं, अब वो उसे खुद सजा देंगे। नहीं, अभी हम प्रज्ञा को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम खुद उस शख्स को जाकर पकड़ेंगे ना, और उसे प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। तभी तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम मतलब? नहीं नहीं, इनाम नहीं, बड़ी शाबाशी मिलेगी, बड़ी शाबाशी। इस तनु पर हमें नजर रखनी होगी। पिल्लो और गद्दा मिल गया है, ब्लैंकेट भी दे दो। आप हैं यहाँ? मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। उठो, उठो। सपना देख रही हो? निकल आने, उल्लू बना रही हो मुझे। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया। जानबूझकर क्यों करूँगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी यादों को भुला दूँ ना, that's why। मैंने कुछ करने से रोका है कभी आपको? तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं अपने यादों के सारे उल्लू की तरह उल्टा लटका रहूं। आप अकेले तो नहीं लटके हुए ना यादों के साथ? वैसे भी मेरे चाहने से कुछ होता तो बहुत पहले हो चुका होता। रहने दे अभी, और कुछ बोलेगा ना तो तू ही इमोशंस में फंस जाएगा। अब बोलो, ये भी तुमने जानबूझ के नहीं किया? मैं ए, क्या करी हो? दोबारा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, हो गया तो हो गया, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर तनु का राज इनके सामने ही खुले तो उसका सच इनके सामने आ जाएगा और मुझे इन्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? आज शाम को पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो भी करो तुम्हारे साथ नहीं करो। ओके, मतलब आप मेरे साथ ही? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। लेकिन आपने तो ठीक से सुन लिया ना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मेरे साथ कहीं नहीं जाना? मैं आपको जगह और वक्त मैसेज कर दूंगी, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, आपका ही फायदा होगा। और अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर पछताएंगे। मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आप जरूर आएंगे। और अगर आज आप आ गए तो फिर कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।